नमस्कार, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन के प्रायोजक है श्री कृष्णा प्राइवेट आईटीआई, झालावाड़ जिले की डिजिटल क्लासरूम वाली एकमात्र आईटीआई। आपके साथ मैं फिरदौस। खबरों की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। तेईस जून को बालाजी मंदिर में बैठक होगी आयोजित। नागरिक मंच संस्था द्वारा रेल रोको आंदोलन को लेकर होगी चर्चा। एक युवक को गिरफ्तार कर 200 ग्राम स्मैक की बरामद। भवानी मंडी पुलिस ने दूधा केड़ी माताजी मार्ग पर नाकेबंदी के दौरान की कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। नागरिक मंच संस्थान द्वारा रेल रोको आंदोलन सफलतापूर्वक करने के लिए शनिवार को बालाजी मंदिर में बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी समाजों के अध्यक्षों को बुलाया गया। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम काला ने बताया कि संस्था के आंदोलनों के माध्यम से 1993 में कई सुपरफास्ट ट्रेनों का ठहराव हो चुका है, लेकिन गत दिनों में देखा गया है कि बी श्रेणी प्राप्त भवानी मंडी स्टेशन की उपेक्षा कर रेलवे विभाग आलोट व शामगढ़ दोनों मध्य प्रदेश के रेलवे स्टेशनों पर एक दर्जन से अधिक प्रमुख सुपरफास्ट नई ट्रेनों का बिना मांग के ठहराव किया गया, जबकि इस स्टेशन की आय बहुत ही मामूली है एवं यात्री भार भी नहीं के बराबर है। ऐसे में शहर की रेलवे विभाग ने उपेक्षा की है। गाड़ियों के ठहराव की मांग को लेकर 2 जुलाई से शांतिपूर्ण रेल रोको जन आंदोलन चलाया जाएगा, जिसके सफल आयोजन को लेकर शनिवार को सभी समाजों के लोगों की बैठक रखी गई है। तो बड़ा पत्रकार है, वो थोड़ी देगा मगर। भवानी मंडी पुलिस ने दूधाखेड़ी माताजी मार्ग पर गुरुवार रात नाकेबंदी के दौरान एक जने को गिरफ्तार कर उसके पास से 200 ग्राम स्मैक बरामद की। सीआई हीरालाल सैनी ने बताया कि गुरुवार रात दूधाखेड़ी माता मंदिर मार्ग पर नाकाबंदी की जा रही थी। इसी दौरान मालीपुरा निवासी जाकिर इनाम खान पुत्र अब्दुल लतीफ नीम का खेड़ा की ओर से पैदल भवानी मंडी की ओर आता नजर आया। पुलिस को देखकर वह वापस भागने लगा तो उसका पीछा कर उसे पकड़कर उसकी तलाशी ली, जिसमें उसके पास से 200 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भवानी मंडी गायत्री जयंती एवं गंगा दशहरे के अवसर पर गायत्री शक्तिपीठ की ओर से 5 कुंडी यज्ञ किया गया। व्यवस्थापक सुरेश चंद्र उपाध्याय ने बताया कि इस दौरान पुसवन संस्कार, गुरु दीक्षा सहित अन्य संस्कार करवाए गए। इस अवसर पर शिवलाल पाटीदार, सुभाष भटनागर, संजय जायसवाल, केशरीमल धारीवाल, सुरेश नगर आदि मौजूद थे। भवानी मंडी जिला परिषद सदस्य सुदीप सालेचा ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक कर्मचारियों में व्यवहार सुधारने के लिए कहा। सालेचा ने ज्ञापन में बताया कि बैंक कर्मी ग्राहकों व कम जानकारी वाली महिलाएं व पुरुषों को घंटों बैंक में खड़े रखते हैं एवं उनके होने जैसे काम भी करने में रोड़े लगाते हैं। जब ग्राहक अपने काम के बारे में पूछते हैं तो वृद्ध जनों से दुर्व्यवहार करते हैं। नारायण खेड़ा निवासी महिला अयोध्या बाई के खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना के रुपए 14 जून को ही आ गए, लेकिन बैंक कर्मी खाता लिमिट होने की वजह से रुपए नहीं दे रहे थे, जिसकी सूचना महिला ने जिला परिषद सदस्य सुदीप सालेचा व पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष वरुण मीणा को दी, जिसके बाद दोनों बैंक पहुंचे एवं अतिरिक्त बैंक मैनेजर प्रमोद बेरवा से भुगतान करने के लिए कहा। इस बीच महिला को भुगतान करने को लेकर सालेचा व बेरवा के बीच तीखी बहस हुई। बाद में महिला के खाते की लिमिट बढ़ाई गई एवं उसे भुगतान किया गया।
इस दौरान वार्ड पंच गोपाल सिंह, एनएसयूआई के कार्यकर्ता अजमल, गोलू गुजर, मोहित गुजर आदि भी साथ थे। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे श्री कृष्णा प्राइवेट आईटीआई झालावाड़ जिले की डीजल क्लास वाली रूम वाली मात्र एक आईटीआई। आज की खबरों में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, दीजिए इजाजत, नमस्कार।